फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो साओल, यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। मैं हूं आपके साथ शिखा। इस कार्यक्रम में लगातार जानकारी देते हैं हम आपको हार्ट केयर के बारे में। हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बिमल छाजेड़, जो कि हार्ट केयर एंड लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट हैं और साथ ही एम्स के कंसल्टेंट भी रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, वैसे तो आप कई बार बता चुके हैं हमें कि हार्ट प्रॉब्लम क्या होती है, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप एक बार डिटेल में बताएं कि क्या है हार्ट प्रॉब्लम्स। देखिए, हार्ट एक इतना सा ऑर्गन है जो पूरे बॉडी को ब्लड देता रहता है, पंप करता रहता है 70 टाइम्स एक मिनट में, और पूरे बॉडी को ब्लड देता है। और वो ब्लड जब पूरे बॉडी को जाती है, उसमें से बॉडी को ऑक्सीजन मिलती है। सिमिलरली हार्ट को अपने लिए भी ब्लड चाहिए, अपने लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, और इसके लिए हार्ट को खुद के लिए 3 ट्यूबें मिल जाती है। ये नाम है कोरोनरी आर्टरीज, और ये जो ट्यूब्स हैं, इन्हीं के अंदर चर्बी की लेयर जमते रहती है। आप बोलेंगे चर्बी आया कहाँ से है, तो हम लोग खाने में जो खा रहे हैं वो चर्बी अंदर जमता रहता है, और जमते जमते वो धीरे धीरे ब्लॉकेज बढ़ती जाती है। जब तक वो 70-80 ब्लॉकेज तक नहीं पहुंचती है, जब तक तो पेशेंट तो हार्ट का पेशेंट है, पर उसको पता नहीं चलता है। पता जब चलता है तब 70-80 के बाद ही पता चलता है, जब उनको एंजाइना होता है, जब वो पेशेंट चलने का स्पीड लेता है, तब उसको छाती में दर्द होती है, भारीपन होती है, सांस फूल जाती है। तो ये समझ जाइए हार्ट की बीमारी पक्की हो गई। तो हार्ट की बीमारी का मतलब है कि उनके अंदर ब्लॉकेज जम जाना, और इंडिया में 8 से 10 करोड़ ऐसे मरीज हैं जिनको इस तरह के ब्लॉकेजेस हो गए हैं। चारों तरफ ऐसे ही ऐसे मरीज दिखते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बोला, काफी बड़ा नंबर हार्ट पेशेंट का, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। आपसे मैं बिल्कुल जानना चाहूंगी कि इसको कैसे जान सकते हैं अर्ली स्टेज में, लेकिन पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनका सवाल। हेलो हेलो, साहिल जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कई बार हम लोग देखते हैं कि शॉक के कारण, कोई जी सदमा लगने के कारण किसी की डेथ हो जाती है, तो ये चीज क्यों होती है? जी यूजुअली जो जितने भी शॉक की वजह से हार्ट की डेथ होती है, उनको हार्ट की बीमारी पहले से होती है। और जिस वक्त कोई बहुत बड़ा सदमा, बहुत बड़ा सा टेंशन होता है, तो वो इतने सारे बॉडी में एक केमिकल रिलीज होती है जिसका नाम है एड्रेनालिन। ये हार्ट की स्पीड बढ़ा देती है, और ये उसी वक्त इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा कर देती है कि उसमें हार्ट के जो ब्लॉकेज है वो बस्ट कर जाती है, और बस्ट करते ही वो 100% ब्लॉकेज हो जाता है। और अगर ब्लॉकेज बहुत इंपॉर्टेंट जगह में है तो इमीडिएट डेथ हो जाता है। इसको बोलते हैं सडन कार्डियक डेथ, मतलब एक आदमी सडनली बैठा है, कोई एक्सीडेंट नहीं, कुछ नहीं, और सडनली डेथ हो जाए, तो ये समझ लीजिए सडन कार्डियक डेथ है। और 99% ऑफ डेथ्स जहाँ पे कोई कारण नहीं पता चलता है, वो सारे हार्ट के डेथ है। तो ये यूजुअली होता है कि ब्लॉकेज बढ़ा हुआ जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, एक दिन बस्ट करना था, और उस वक्त टेंशन हुआ और बस्ट कर गया। तो ये बहुत कॉमन सी बात है। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर महाराष्ट्र से। हेलो हेलो, रविंद्र जी, हाँ बताएं बोलिए। क्या जानना चाहते हैं। हाँ मैडम, नमस्कार। मुझे जी आपसे नमस्कार। ये पूछना है कि मेरी वाइफ को लेफ्ट चेस्ट के साइड में, जी हाँ लेफ्ट साइड में थोड़ा पेन आता है, थोड़ा थोड़ा चलने के बाद, जी एक 2 किलोमीटर भी चले तो भी थोड़ा पेन आता है। तो जी हमने लिपिड प्रोफाइल वगैरह ईसीजी कराया था, जी तो वो नॉर्मल निकला, और लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल जो है, सीनियर कोलेस्ट्रॉल टोटल 160 है, जी सीनियर कोलेस्ट्रॉल एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 49 है, एलडीएल जी कोलेस्ट्रॉल 90.8 है, ठीक है वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल 20.2 है, और ट्राइग्लिसराइड 101 है, 101, और टोटल कोलेस्ट्रॉल 3.26 है। तो वो पूछती है कि ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि चेस्ट पेन तो हो रहा है, तो क्या होगा वो आगे चेक करने का है, कि वो आप जी सजेस्ट करें। देखिए, एक ही चेकअप आपको जरूरत है। आप जितने सारे फिगर्स बता रहे थे, बहुत खराब फिगर्स नहीं है, खाली एक चेस्ट पेन है जिसको हम लोग को पक्का करना चाहिए हार्ट की वजह से है या नहीं है। इसके लिए आपको जाना चाहिए सीटी कोरोनरी स्कैन। आगे के जमाने में बाकी टीएमटी वगैरह कराते थे, वो सब रिडंडेंट है। जैसे ईसीजी नॉर्मल आती है, इसको नॉर्मल आदमी करा ले, इसका कोई वैल्यू नहीं है। टीएमटी भी वैल्यू नहीं है, आपको करना होगा सीटी कोरोनरी स्कैन। आजकल पूरे इंडिया भर में हर बड़े शहर में ये स्कैन आ गई है, और ये स्कैन 64 स्लाइस का या 128 स्लाइस का करवाइए। 7,000-8,000 रुपए इसका खर्चा होता है। एक बार में क्लियर हो जाए हार्ट की है या नहीं है, नहीं तो मन में कभी शांति नहीं रहेगी कि हाँ है नहीं है, क्या मालूम कभी हार्ट अटैक हो जाए। तो इसको सीटी स्कैन कराने से ही क्लियर हो जाएगा। मैं आजकल हर आदमी को बोलता हूँ, आप कोई भी चीज हार्ट का चेक कर आप कराना चाहते हो तो एक ही कराइए, सीटी कोरोनरी स्कैन, दैट इज द बेस्ट वन। डॉक्टर साहब, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर पंजाब से हमारे साथ। हेलो हेलो,
बताएं सुनीता जी, क्या जानना चाहती हैं? हाँ जी सर, मेरे को ना बहुत वो करते समय सांस चढ़ती है मेरे को जी। हाँ जी, मेरे कान भी बंद हो जाते हैं और वासी उजवाई लेने में तो मेरे को बहुत मुश्किल हो जाती है जी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 40 हो गई है। और आपके फैमिली में कोई हार्ट की बीमारी है? नहीं जी, किसी को नहीं है। देखिए, आपको सांस फूलने का दो दो कारण होती है। एक तो लंग से होती है, जैसे कोई एस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, उससे हो सकती है सांस फूलना, और दूसरा हार्ट से हो सकता है। तो हार्ट के लिए आपको मैं बोलूंगा एक इकोकार्डियोग्राम कराइए और एक सीटी कोरोनरी स्कैन कराइए। इससे क्लियर हो जाएगा, हार्ट से अगर है तो उसका इलाज हो जाएगा, और अगर लंग्स का है तब तो बहुत ही सरल इलाज है, दवाई से ही काफी हद तक आप ठीक हो जाएंगे। तो सांस फूलना कभी भी कोई को हो, इसको इग्नोर ना करें, हार्ट के तरफ से क्लियर कर लें, लंग्स के तरफ से क्लियर कर लें, जो है उसका फिर इलाज होना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगले कॉलर का भी सवाल जानते हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या जानना चाहती हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। मुझे अपने ब्रदर के बारे में पूछना है। हाँ हाँ बोलिए। उसकी उम्र 35 साल है, उसने ना मतलब कुछ भी खाता है, कोई ऑयली चीज, तो उसकी उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है जी। और इतना हैवीपन लगता है और बहुत ही मतलब ऐसे उसे लगता है कि मैंने अभी मर ही जाऊंगा जैसे जी। और फिर उसे चेकअप करवाया तो उन्होंने बोला कि हार्ट का साइज बड़ा हुआ है, वो 5 किलो वजन उठाकर भी नहीं चल सकता है, मतलब इतनी सांस फूलती है और कुछ भी ऑयली कुछ भी खाते ही हार्ट बीट तेज हो जाती है जी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उसकी हार्ट में ब्लॉकेज तो नहीं है कहीं? होने के चांसेस है। वैसे हार्ट बीट तेज होने का एक और, एंजाइटी से भी बहुत सारे लोगों को हार्ट बीट तेज हो जाती है, पर एंजाइटी अगर है पर उससे भी दिक्कत नहीं है, पर मेन है अगर सांस फूल जाए, कि हार्ट बीट होने के संग सांस फूल जाए, तो फिर हार्ट की तरफ हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। तो इनका एक लिपिड प्रोफाइल चेक कराइए, एक इकोकार्डियोग्राम कराइए और एक सीटी कोरोनरी स्कैन कराइए। ये तीनों टेस्ट मेरे ख्याल से 7,000 1,500 में हो जाती है। तो ये आप करवा के इसकी रिपोर्ट अगर आप ला सकते हैं तो मैं आपको बता दूंगा आगे का क्या है, क्योंकि हार्ट की बीमारी होने के चांसेस दिख रहे हैं। डॉक्टर साहब, पंजाब से अगले कॉलर। हाँ हेलो। हेलो पंकज जी, बताएं। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैम, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। मेरे पापा की ना सीने में कभी कभी दर्द होता है और उनकी सांस भी फूल जाती है कभी भी बैठे बैठे जी। हाँ जी, और वो वॉक भी करना चाहें 2-3 किलोमीटर चल भी लेते हैं जी। नहीं, इसके लिए देखिए आपको फिर वही बोलूंगा कि आप फिर से वही करवाइए, सीटी कोरोनरी स्कैन। आज के जमाने में देखिए हार्ट की बीमारी इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है, हर कोई दूसरा तीसरा आदमी हार्ट अटैक लेके आता है। तो ये समझ लीजिए आप, हार्ट की बीमारी का एक ही ट्रीटमेंट है, एक ही डायग्नोस्टिक्स पॉइंट है, वो है सीटी कोरोनरी स्कैन। आजकल चंडीगढ़ में भी होता है, दिल्ली में आके आप करवा लें। बहुत छोटा सा टेस्ट है, 2 मिनट लगती है, एक इंजेक्शन दी जाती है, एक टेबल पे लेटा के पेशेंट को थोड़ा सा एक मशीन के अंदर ले जाते हैं, उसमें चेहरा बाहर होता है, छाती के ऊपर कैमरा घूमता है, और एक इंजेक्शन देते ही 1 मिनट का एक्सरे होता है और आप बाहर, और आपको पता चल जाएगा आपकी ब्लॉकेज कितनी है। तो ये टेस्ट दिल्ली में ऐसे 15,000 12,000 लेते हैं, हम लोग 7,000 में ये टेस्ट करवाते हैं। तो आपको एक बार जांच कराना चाहिए, आके सीटी कोरोनरी स्कैन कराइए, हमारे क्लिनिक में आके प्रिस्क्रिप्शन लीजिए, स्कैन करा के फिर हमको दिखाइए, दैट विल बी द बेस्ट वे। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हिमाचल से, उनका सवाल भी जानते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल है? सवाल ये है मैडम कि हार्ट प्रॉब्लम का जो मैं देख रहा हूँ शक्ति टीवी पे लाइव अभी, तो इसमें बताया कि जो कैट है कोरोनरी हार्ट डिजीज की स्कैनिंग कर रहे हैं जी, तो क्या लेटेस्ट टेस्ट आ चुका है हार्ट डिजीज को, हार्ट अटैक को डिटेक्ट करने के लिए, या फिर TMT को, डॉपलर या ECG, उनका कोई औचित्य नहीं है आज की डेट में? जी एकदम, बहुत अच्छी क्वेश्चन आपने पूछी है। देखिए, ECG का औचित्य तभी है जब कभी आपको बैठे बैठे पेन हो रहा हो, क्योंकि ECG करते वक्त पेशेंट को बैठा के लेटा के किया जाता है, और उस वक्त अगर पेन नहीं हो रहा है तो ECG में ज्यादातर आते ही नहीं है। मेरे पास पेशेंट आते हैं बोलते 20 ECG कर रहा है, एक में भी कुछ खराबी नहीं आई है, क्यों? क्योंकि उस वक्त लेटा रहता है। मैं बोला आपको दर्द कब होती है, बोलते चलते वक्त दर्द होती है, तो फिर चल के TMT कराया गया। TMT का एक प्रॉब्लम है कि 70 से ऊपर ब्लॉकेज हो तभी पकड़ा जाएगा, 70 से नीचे वाला ब्लॉकेज पकड़ा ही नहीं जाएगा। तो अगर हार्ट का पेशेंट को 70 के बाद ही ब्लॉकेज पता करना है तो क्या मतलब है, पहले ही पता कर ले तो प्रिकॉशन ले ले। तो उसके बाद आती थी इको। इको सिर्फ हार्ट अटैक होने के बाद ही यूजफुल है, हार्ट अटैक होने के पहले इको में नॉर्मली आता है। तो ये 3 टेस्ट एक स्पेसिफिक जगह में यूज होती है, पर हार्ट की बीमारी को पता करने के लिए इसका कोई खास रोल नहीं है।
पता तो पहले ही हो जाना चाहिए जब आपकी ब्लॉकेज 10, 20, 30, 40 है। अच्छा, उसके बाद चौथी टेस्ट होती थी जो एंजियोग्राफी, वो बहुत खतरनाक टेस्ट है। उसमें बॉडी के अंदर तार घुसाई जाती है, उस तार से लोग मरे भी जा सकते हैं, और उस वक्त वो अंदर पूरी रिस्क रहती है, और वो रिस्क कोई भी नॉर्मल आदमी उठाने तैयार नहीं होगा। 15,000 रुपया दो, हॉस्पिटलाइज हो, तार घुसाओ। तो मैं ये सोच रहा था कि कोई ऐसा टेस्ट भगवान दे दे कि भाई जिसमें ऊपर से ही पता चल जाए ब्लॉकेज है कि नहीं है, और लकीली फॉर यू ये टेस्ट आ गई है। ये टेस्ट जब पहले आई थी तो बहुत क्रूड था, उसमें 16 स्लाइड थे, फिर 32 स्लाइड आई, फिर और अच्छे रिफाइंड हुआ, 64 स्लाइस आई, अब 128 स्लाइस आ गई है। और ये टेस्ट आजकल खूब पॉपुलर होते जा रहे हैं, इंडिया में हंड्रेड्स ऑफ मशीन लग गए हैं ऐसे। है बहुत महंगा, 7-8 करोड़ की मशीन है, 5-6 करोड़ तक भी आता है, पर ये जो मशीन है इसमें 1 मिनट में आपको बता देंगे कितनी ब्लॉकेज है। एंड दिस इज द लास्ट, पिछले 20 साल में मेडिकल साइंस में, कार्डियोलॉजी में अगर एक ही अच्छाई हुई है तो ये सीटी स्कैन आई है। कार्डियोलॉजी से सीटी स्कैन से बहुत दुखी है, क्योंकि उनको लगता है कि ये कर लेगा तो हमारा एंजियोग्राफी कौन करेगा, और एंजियोग्राफी के टेबल में वो डरा डरो के ऑपरेशन करवा लेते हैं। वो भी उनका एक लोभ रहता है कि एंजियोग्राफी करा ले तो हॉस्पिटल को छोड़ने का जरूरत ही नहीं, वहीं पे ऑपरेशन करवाएंगे। और सीटी स्कैन के बाद पेशेंट 50 ओपिनियन लेगा, खाने पीने के बारे में पता करेगा, उसमें तो क्या है, वहां पे पकड़ा और वहीं पे काट लिया। तो ये एक प्रॉब्लम है। सीटी कोरोनरी स्कैन इतनी अच्छी टेस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट ज्यादातर यूज नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज वो एंजियोग्राफी को यूज करके ऑपरेशन की तरह पेशेंट को ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल दर्शकों, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे से और डिटेल में बताया है कि किस टेस्ट का क्या इम्पोर्टेंस है, कब उसको यूज करना चाहिए। तो आप खुद डिसाइड करें कि आपको प्रॉब्लम तब जानी है जब वो 70-80% हो जाए, या आपको तब जानना है जब वो 10 या 20% में हो, और उसको पहले से ही प्रिकॉशन लेके जल्दी ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर साहब अगले कॉलर हैं जम्मू एंड कश्मीर से, जानते हैं सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, नमस्कार बताएं शकील जी, क्या सवाल है? सर अर्ज है कि मुझे 86 में अटैक हुआ था ऑफिस में जी, तो उसके बाद मैंने मतलब वो TMT टेस्ट जम्मू में करवाया था जी, तो उसमें वो नॉर्मल आया था जी। इको कराया था क्या जी? TMT टेस्ट करवाया था सर। हाँ, इको कराया नहीं था उस वक्त? नहीं, इको नहीं सर कराया। अच्छा, तो ये मतलब अब कैसे हैं आप? अब आपको घूमने फिरने में कोई दिक्कत है अब क्या? घूमने में ये है सर, जब कहीं गाड़ी में बैठते हैं या शोर होता है या किसी वक्त अकेलापन होता है, उस वक्त ऐसे मतलब मुझे घबराहट सी हो जाती है, मतलब ऐसे कि मैं कहीं मतलब यानी गिर जाऊंगा, या ऐसी घबराहट होती है, तो बस जी। मतलब यानी देखिए, आपके लिए जो टेस्ट होनी चाहिए, पहले तो एक इको कार्डियोग्राफी कराइए कि उस वक्त हार्ट अटैक में कितना एरिया डैमेज हुआ है, और दूसरी अगर आपको इस तरह की दिक्कत है तो आपको एक सीटी कोरोनरी स्कैन करा के देखना चाहिए ब्लॉकेज का हलचल क्या है। अगर ये दोनों टेस्ट आपका करीब करीब, और अगर चाहेंगे तो एक लिपिड प्रोफाइल, बहुत महंगा होता नहीं है, 400-500 रुपये की चीज़ होती है, वो 3 टेस्ट आप करवा लीजिए, तो आपकी हम पूरी की पूरी अंदर से सब चीज़ समझ जाएंगे, हार्ट का हलचल क्या है, आगे की फ्यूचर प्रिडिक्शन भी मैं आपको करवा दूंगा। जी। डॉक्टर साहब हरियाणा से अगले कॉलर। हेलो हेलो। हेलो, बताएं जगदीश जी, क्या सवाल है? हाँ जी, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, नमस्कार, क्या मैं डॉक्टर साहब से बात कर? हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ, बताइए आप। सर आपका हरियाणा में कहाँ पर है सेंटर सर, जहाँ पे हम आपसे मिल सके और रोहतक चेकअप में, करवा? हरियाणा में रोहतक में हमारा सेंटर है, और वैसे दिल्ली में सेंटर है, तो हरियाणा वाले या तो रोहतक आ जाए, या रोहतक हम लोग महीने में 2 महीने में एक बार जाते ही हैं, और अगर हरियाणा में आप दिल्ली के आसपास हैं तो दिल्ली आके भी मिल सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे लगातार हमारे पास कॉल आ रहे हैं कि लोगों ने हार्ट अटैक हुआ है, बाईपास भी कराए हैं, एंजियोप्लास्टी भी कराए, लेकिन उनको प्रॉब्लम लगातार बनी हुई है, वो प्रॉब्लम उनकी सॉल्व नहीं हुई है। आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या करना चाहिए पेशेंट्स को? देखिए, पेशेंट्स को बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी के तो मैं खिलाफ हूँ, वो दोनों मैं चाहते ही नहीं हूँ, पर मैं पेशेंट से ये चाहता हूँ कि वो अपना लाइफस्टाइल को बदले, जो ब्लॉकेज का असली कारण है उनको हटाएं, और उसमें 2 मेजर कारण है, एक है कोलेस्ट्रॉल, एक है ट्राइग्लिसराइड, यही दोनों आइटम अंदर जा जा के जम रही है, इन दोनों को बंद करवाना होगा। खाने में कोलेस्ट्रॉल को आना बंद करना है, उसके लिए नॉन वेजिटेरियन फूड बंद होगा, दूध और डेयरी प्रोडक्ट सारा कम होना चाहिए, और 0 ऑयल का खाना बनना चाहिए, 35 मिनट्स वॉक करना चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, उनको दवाइयाँ लेनी चाहिए, जो दवाइयाँ से आपकी एंजाइना कम हो जाए, जो दवाई से ब्लड पतला हो जाए, अगर ब्लड प्रेशर या शुगर ज़्यादा है उसको कम कर लें, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा उसको कम कर लें। हमारी एक सेफ्टी सर्कल करके एक एक
तेज है, अगर कोई को भी चाहते हैं कि भाई साहब मेरा हार्ट अटैक ना हो उसका क्या बंदोबस्त है, तो हमारे वहां से आप ईमेल करके या हमारे वहां से आप फोन करके आप वो लिखिए, तो हम आपको सेफ्टी सर्कल एक भेजेंगे। वो सर्कल को अगर आप फिलअप करते हैं तो हार्ट अटैक नहीं हो उसका पूरा बंदोबस्त हो जाएगा, और उसको अगर आप ग्रीन जोन में रख सकते हैं तो हार्ट के लिए एकदम 100% सेफ है। तो आप हमारे यहाँ फोन करके ये सेफ्टी सर्कल जरूर मंगाइए, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम भेज देंगे, और आपको उससे ये क्लियर हो जाएगा कि आगे करना क्या है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि सेफ्टी सर्कल है, जिससे कि आप जान सकते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, सारी चीजें किस किस लेवल पे होनी चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं कोई भी जानकारी जो कि हार्ट प्रॉब्लम के साथ जुड़ी हुई है, तो उसके लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें और फ्री डीवीडीज मंगाएं। और डॉक्टर साहब के लगातार अलग अलग शहरों में कैंप्स भी लगते रहते हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और सारी जानकारी वहां से भी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब एक और कॉलर जानते हैं सवाल। हेलो। हाँ धन्यवाद जी, बताएं क्या सवाल है आपका। मेरा सवाल है कि बाईपास सर्जरी हुई वाली है जी। हाँ, बाईपास सर्जरी होने के बाद ऊपर के साइड में पे जैसा कि बधिर बना आ जाता है जी, और कभी कभी थोड़ा दर्द होता है जी। हाँ। कितने दिन हुआ आपको बाईपास सर्जरी हुए? कितने आप सुन पा रहे हैं हमें? कितना वक्त हो गया है आपकी बाईपास मेरे सर्जरी को? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल जी। यूजुअली देखिए बाईपास सर्जरी में क्या होता है, देखिए हम लोग बोलते हैं नेचर के बॉडी को काटा गया है, इसको जब बीच से काटते हैं तो बहुत सारे नर्व्स कट जाते हैं, और फिर जब जोड़ते हैं तब भी पूरा वो नर्व ठीक से जुड़ नहीं पाते हैं एक दूसरे से, उससे एक चेस्ट पेन हर वक्त रहता है। ये पेन जिंदगी भर रहती है कुछ लोगों को, कुछ लोगों को 2-1 साल रहती है। तो ये जो पेन है ये कॉम्प्लिकेशन है सर्जरी का, और अगर कोई कहीं पे वुंड हील नहीं किया तो वहां पे तो बहुत तकलीफ होने वाली है। तो इसलिए हम लोगों को बोलते हैं एक बीमारी को सॉल्व करने जाके दूसरे प्रॉब्लम्स आपके पास आ गए, ये नहीं होना चाहिए। मेरे पास एक पेशेंट उस दिन बहुत रोया, बोला सर ऑपरेशन करके 7-8 साल हो गए, कंटिन्यूअस मेरे यहाँ पे छाती में पेन है, और डॉक्टर बोलते हैं हार्ट का पेन नहीं है, ये चेस्ट का पेन है, क्योंकि ऑपरेशन के वक्त हम लोगों ने नर्व काटे थे उससे पेन है, जो एक ट्यूब काट के रख लिया था पैर से, यहाँ से लगा के हार्ट में लगा दिया उस जगह में पेन है। तो ये बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम है बाईपास सर्जरी, इसलिए मैं चाहता ही नहीं हूँ। इनफैक्ट धीरे धीरे बाईपास सर्जरी का नंबर इंडिया में कम होता जा रहा है। जी डॉक्टर साहब एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए।